नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Facebook से डिलीट हुए फ्रेंड को वापस कैसे लाएं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यदि आप किसी Facebook फ्रेंड को अपने फ्रेंड लिस्ट से अनफ्रेंड कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं, तो कैसे उसे अपने फ्रेंड लिस्ट में पुनः ऐड करेंगे। तो अपने Facebook फ्रेंड को फिर से अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने के लिए ओपन करते हैं Facebook एप्स को। दोस्तों अगर आपका फेसबुक अपडेटेड नहीं है तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके फेसबुक को अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट कर देने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन लाइन बना हुआ है, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद स्क्रोल डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। यहाँ पर लिखा हुआ है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पर। अब सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देने के बाद थोड़ा सा ड्रॉप डाउन होके एक ऑप्शन खुलता है प्राइवेसी शॉर्टकट। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेसी शॉर्टकट, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे प्राइवेसी लिखा हुआ होता है और यहाँ पे लिखा हुआ होता है रिव्यू ए फ्यू इम्पोर्टेंट प्राइवेसी सेटिंग, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना होगा हाउ पीपुल कैन फाइंड यू ऑन फेसबुक, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट, फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे सर्च इंजन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप में ये ऑप्शन यहाँ पे टिक है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स पे, तो इसे यहाँ पे टिक कर दीजिएगा एवरीवन पे। एवरीवन पर टिक कर देने के बाद आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद आपको फिर से पुनः क्लिक करना होगा नेक्स्ट। यहाँ पे फोन नंबर और ईमेल एड्रेस से कोई मतलब नहीं है, तो आप क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट। और इसके बाद ये ऑप्शन अगर आप में ऑफ है तो आप इसे ऑन कर दीजिएगा, और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट। और इसके बाद फिर से आपको क्लिक करना होगा रिव्यू एनअदर टॉपिक। अब यहाँ से आप आ जाइएगा बैक, यहाँ से दो बार हम बैक आ जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब चलते हैं हम यहां से अपने मेन सेटिंग में, अपने फेसबुक से रिमूव हुए फ्रेंड को अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने के लिए यहां पे आपको क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, यहां पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा ड्रॉप डाउन होके एक ऑप्शन खुलता है सेटिंग्स का, तो क्लिक कीजिएगा सेटिंग्स। सेटिंग्स पे क्लिक कर देने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाते हैं, सबसे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एक्टिविटी लॉग, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटी लॉग, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। अब दोस्तों एक्टिविटी लॉग पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा फिल्टर्स, यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है एक फिल्टर्स का, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। फिल्टर्स पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको जाना होगा कैटेगरीज में, यहाँ पे कैटेगरीज पहले से ऑल सेलेक्ट रहता है तो आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। कैटेगरीज में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा योर कनेक्शंस, यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। योर कनेक्शंस पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे हम स्क्रोल डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है रिमूव फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव फ्रेंड, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम जितने भी फ्रेंड को अनफ्रेंड किए रहते हैं उन सभी का यहाँ पे हमें डिटेल मिल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम 28 जुलाई 2020 को यहाँ पे सेतु वर्मा को रिमूव किया हूँ, उसके बाद 23 जनवरी 2020 को मैं रिमूव किया हूँ राहुल को। इसी तरह से और भी फ्रेंड यहाँ पे मिल जाते हैं, जब जब हम रिमूव किए हैं उन सभी का यहाँ पे हमें डिटेल मिल जाता है।
अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं कटते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे हम जितने भी फ्रेंड को अनफ्रेंड किए रहते हैं उन सभी का हमें डिटेल मिल जाता है। तो यहाँ से हम अपने कुछ फ्रेंड को अपने फ्रेंड लिस्ट में पुनः ऐड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो फ्रेंड को फिर से अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करें। तो अपने फ्रेंड को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा आर्काइव पे, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्काइव, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। अब आर्काइव पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड ए फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड ए फ्रेंड, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इसे ऐड करने के लिए ऐड ए फ्रेंड पे। अब दोस्तों यहाँ पे ऐड फ्रेंड पे क्लिक कर देने से ये फ्रेंड हमारे फिर से फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाता है। इसी तरह से आप जितने भी फ्रेंड को अनफ्रेंड किए रहते हैं यहाँ पे क्लिक करके आप चाहें तो अपने फ्रेंड लिस्ट में पुनः ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।